हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स लीग का मैच हो रहा है ब्राज़ील वर्सेस कोलंबिया के बीच। रैंकिंग में दोनों टीम्स टॉप फाइव के अंदर है, बट ब्राज़ील वाज ऑन टॉप वन, मतलब टॉप पे ही है, फर्स्ट नंबर पे रैंकिंग के हिसाब से। तो ब्राज़ील से तो मतलब हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ब्राज़ील टीम के साथ हमें सारे मेन प्लेयर्स लेने ही पड़ेंगे, बिकॉज ब्राज़ील के मेन प्लेयर्स गोल करते नजर आएंगे। तो बात करूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, ये मैच थोड़ा भी जल्दी होता ना, 2 बजे भी होता तो मैं कवर कर देता, बट ये बिल्कुल सुबह सुबह है तो मेरे को सही नहीं लग रहा। क्योंकि एक्चुअली अगर आप मतलब इतनी जल्दी मैं मैच कवर करता नहीं, इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखना। तो गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। आगे बढ़ता हूँ मैं, तो यहाँ पर बात करूँ इस मैच की, तो यहाँ पर आपको ब्राज़ील टीम अच्छा करते दिखेगी, बट कोलंबिया भी टॉप फाइव में फोर्थ नंबर पर है। तो यहाँ पर मेरे को कोलंबिया टीम का कुछ खास नज़र तो नहीं आया, मतलब कोलंबिया टीम ने आखिरी के कितने मैच तो मतलब ड्रॉ किए हैं, वो भी 0-0, मतलब ये भी नहीं कि आप एक गोल भी करो, तो मैं क्या समझूं इससे यार। कोलंबिया टीम क्या करेगी, अगर एक आधा गोल कर भी गई तो वो मेरी नज़र में मतलब एक नॉर्मल एक कोइंसिडेंस वाला गोल होगा, बाकी देखते हैं ना। आगे से बात करूं, सबसे पहले गोलकीपर की डेविड को लूँगा, तो यहाँ पर इनकी गोलकीपिंग तो बहुत अच्छी है। मैं कोलंबिया के अगर डिफेंडर्स को कंपेयर करूँ ना इनसे, तो इतनी अच्छी गोलकीपिंग है कोलंबिया की कि आधी टीम अगर जीतती भी है और जहाँ तक ये टॉप फोर में है, तो इसमें सबसे बड़ी मैं पावर मानूंगा ओस्पिना को। एंड आगे से बात करूँ अलेक्जेंड्रो की, आपको पता ही कि ये कैसा खेलता है डोमेस्टिक लीग में, तो नेशनल टीम में तो अलग ही खेलेगा। हर बंदा नेशनल टीम में जब खेलता है अलग ही पावर होती है उसके अंदर कि मैं अपने के लिए कुछ करूं। एंड आगे से बात करें एमआरएस जूनियर की, इसकी जगह चाहो तो भाई कोई और ले सकते हो, डी सिल्वा भी ट्राई कर सकते हो, बट अगर वो खेला नहीं खेला तो भाई कौन ट्राई करेगा। एंड आगे से बात करें मार्को इनोस की, मार्को इनोस ने पिछला मैच नहीं खेला था उरुग्वे के सामने, बट आज मौका है क्योंकि आज इनके पास मतलब आज तो खिलवाना चाहिए क्योंकि इट वॉज फिट। अगर कोई इंजरी होती तो मैं भी बोलता चलो भाई नहीं खेल रहा, बट आज तो प्रॉपर फिट है, देन खेलना तो चाहिए। एंटी सिल्वा की बात करें, चेल्सी में बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म दिखा रहा है बंदा, आज देखते हैं नेशनल टीम से कैसे खेलता है। एंड आगे से बात करूँ मैं मिडफील्डर्स की, देन जे रॉड्रिग्यूज़ कोलंबिया की तरफ से कुछ मैचेस नहीं खेल रहा, बल्कि जे रॉड्रिग्यूज़ को खिलवाना चाहिए, ये गलती कर रहे हैं। रॉड्रिग्यूज़ इतना नामी घामी बढ़िया प्लेयर, क्या लीग खेलते, डोमेस्टिक लीग में खेलते हो देखा करो अलग ही नज़रिए से, तो मैं तो चाहता हूँ कि खेले, बट बाकी मंजूर है टीम को। एंड आगे से बात करें क्वाड्रेडो की, तो इन क्वाड्रेडो यहाँ पर मिडफील्डिंग करता है, तभी इन्होंने जुवेंटस में इसको मिडफील्डर बना दिया क्योंकि पेनल्टीज भी अच्छी लेता है। और एल दियाज यहाँ पर मेन प्लेयर है, इसको छोड़ना मत, क्योंकि अगर मैं नहीं चाहता चलो कि कुछ हो, लेकिन गोल कर गया ना तो मैं ये भी नहीं चाहता कि आपका लॉस हो, तो यहाँ पर लेना। रफीना की बात करूँ, रफीना को मौका मिला नेशनल में, पहला सब्स्टिट्यूशन मैच वेनेजुएला के खिलाफ 2 असिस्ट करते हुए, पिछला मैच कोलंबिया के खिलाफ हुआ तब ये प्लेयर सब्स्टिट्यूट था और शॉर्ट ऑन टारगेट भी लगाया था। पिछले मैच में उरुग्वे के सामने इसको मेन प्लेयर के तौर पे बुलाया गया, जबकि ये 2 गोल और 4 शॉट ऑन टारगेट लगा गया। सेकंड बात करूं तो यहाँ पर आज रफीना क्या करेगा, सबके मन में ये सवाल और आज पता चल जाएगा, तभी तो मैं टीम में ले रहा हूँ गाइस। आगे से बात करें स्ट्राइकर की, न्यूमर, एंड न्यूमर को रफीना से कंपेयर करना गलत है, कंपेयर क्यों करते हो यार, कैप्टन किसको रखें, आप तो कंफ्यूज़ हो गए। न्यूमर देखो, मैं तो न्यूमर को रखूँगा, भले वो कुछ भी ट्राई करे, भले वो कुछ, बट वो न्यूमर पे मेरे को भरोसा ही बहुत है, मेन प्लेयर है। और आगे से बात करें बॉर्जा की, बॉर्जा ने जब अर्जेंटीना को गोल लगाया था तब उस वक्त एक सब्स्टिट्यूट था, तो आज तो मेन प्लेयर के तौर पर इसको मैदान पर उतारना चाहिए। गैब्रियल जीसस को मजबूरी में ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्ट्राइकिंग ऑप्शन बची नहीं, क्योंकि अगर मैं इसकी जगह ट्राई करता हूँ पी कोटिन्हो को या फिर मान लो एल पुकेता को, उन पर मुझे इतना भरोसा नहीं जितना कि गैब्रियल जीसस पे है। आगे से बात करूँ कैप्टन की, कैप्टन ने न्यूमर, वाइस कैप्टन रफीना। ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन को रिवर्स जरूर करना, एक बार ट्राई करना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए।